नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272 पद अन्य भर्ती परीक्षा परिणाम सूचना आयोग सचिव द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी जो है 4 तारीख को आयोग गए हुए थे और वहाँ से जो जानकारी निकल कर आ रही मैं वही आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले जो अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे हुए थे दोस्तों, कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है, कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है दोस्तों। इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया है, बस फाइनल रिजल्ट बाकी है। इसके लिए अभ्यर्थी गए हुए थे और वीडियो 2018 की भर्ती है दोस्तों, 2018 की भर्ती है वीडियो। इसका भी सब कुछ हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, बस फाइनल रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों। तो ये सब अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इसमें से दोस्तों एक मित्र हमारे वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनसे मैं फ़ोन करके बात किया और पूछा आप कहाँ पर हैं, तो वो बताएं कि हम लोग जो है पिकअप भवन पर हैं गोमती नगर में। और अभी जो है वीडियो और वो अभ्यर्थी जो रहे दोस्तों कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट के तरह हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट से संबंधित हम लोग जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और सचिव जी के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आ रही है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों सचिव जी से मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, उन्होंने सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बताया। दोस्तों, मैं उनसे यही बोला था कि यूपी ट्रिपल एस सी एनम के बारे में भी आप लोग पूछ लीजिएगा, कब तक जो है ये आने वाला है इसका नोटिफिकेशन फाइनल जो ऑनलाइन आवेदन का। तो वहाँ से दोस्तों यही जानकारी निकल कर आई कि कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आप लोगों का मिड सितंबर यानी 15 सितंबर के बाद कभी भी आ सकता है और वीडियो का रिजल्ट 15 सितंबर के पहले, जो जानकारी निकली है दोस्तों वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों एनम की जो बात आ रही है, एनम पर यही बात हुई है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2024 का आवेदन जब होगा यानी अक्टूबर में, नियर अबाउट तैयारी चल रही है, अक्टूबर और नवंबर में पीईटी 2024 का ऑनलाइन आवेदन होगा और इसका परीक्षा होगा दोस्तों। और जिस समय इसका ऑनलाइन आवेदन होगा और जब इसका ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि समाप्त होगी, उसके बाद जो नए नोटिफिकेशन हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी एनम है उनका हम निकालेंगे, उन्होंने कहा कि जो नए आवेदन हैं, जो नए नोटिफिकेशन जो है जारी हुए हैं, जो हमारे जो एक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें दिया गया था, जो अभी नई भर्ती आने वाली है जैसे वीडियो की, लेखपाल की, एनम की, मंडी परिषद की, जे की, जो भी भर्तियां और हैं वो सब जो है पीईटी 2024 के बाद निकाली जाएंगी, ऑनलाइन आवेदन उसका होगा। तो दोस्तों मैं उनसे बात भी किया, मित्र से, उन्होंने यही बताया हमें और उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी मिली और आयोग के सचिव द्वारा। बहुत ज़्यादा तो समय दोस्तों वहाँ पर नहीं लिया गया, वही जो है जो भी समय मिला था उसमें अभ्यर्थी अपना पूछें और उसके बाद वहाँ से चले गए, क्योंकि संख्या बल बहुत कम थी जो अभ्यर्थी गए हुए थे दोस्तों। मैं देखिए आप लोगों को फ़ोटो में दिखा भी दे रहा हूँ, ये सब अभ्यर्थी 4 सितंबर को वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और इसके साथ में दोस्तों नई भर्ती जो 5272 पद एनम के हैं ये तो आना तय है, और इसके साथ में मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा, यह भर्ती 6 महीने के अंदर क्लियर होगी। जैसे यूपी पुलिस की भर्ती आप देख रहे हैं, परीक्षा हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा जल्द से जल्द इसका पीएसटी मतलब फिजिकल का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थी जो है फिजिकल देंगे, फिजिकल के बाद जो है फिर कट ऑफ बन के फाइनल रिजल्ट भी आएगा। विद इन 6 मंथ में दोस्तों पुलिस की भर्ती हो जाएगी। वही हाल यूपी ट्रिपल एस सी का है, अब नए सचिव जी आ गए हैं, वो अपने नए तरीके से काम करेंगे और जल्द से जल्द जितनी भी भर्तियां पेंडिंग हैं सभी क्लियर कराएंगे, नई भर्तियों का आवेदन भी कराएंगे, परीक्षा भी होगी दोस्तों। ये है कि दोस्तों पीईटी 2022 से जो आवेदन हुए थे उनकी परीक्षा इस साल होगी और पीईटी 2023 से जो आवेदन हो रहे हैं उनकी मुख्य परीक्षा 2025 में होना तय है। तो दोस्तों जो जानकारी वहाँ से निकल कर आई है वही आप लोग को बताया जा रहा है, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, जितनी भी क्लास चलेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।